सीरियल ये वादा रहा कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि सुरवी, जिसने दुर्गा रानी बनकर कार्तिक को कमला ताई के हर वार से बचाया, अब कमला ताई उसके सामने एक और मुश्किल खड़ी करेगी। महाशिवरात्रि के दिन ताई कार्तिक को मारने की कोशिश करेगी। तो आइए आपको ले चलते हैं इस शो के सेट पर और सुरवी यानी दुर्गा रानी से सुनते हैं कि ताई का इस षड्यंत्र के बारे में क्या कहना है। सुरवी को भी अच्छा लग रहा है, एंड इवन दुर्गा को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दुर्गा ने भी सुरवी का कभी ताई का कभी इतना इमोशनल रूप देखा नहीं है। सुरवी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो प्लान उसने इतना सब कुछ ड्रामा किया उसमें वो 10% सक्सीड हुई है, तो वो उसको 100% तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रही है। काफ़ी कुछ आप जानने की कोशिश कर रही, लेकिन वो इतना ही आसानी से बोलती नहीं है, क्योंकि ताई को कभी किसी पे भरोसा होता ही नहीं है। तो फिर भी दुर्गा अपनी टेक्निक्स यूज़ करके सोच रही है कि किसी ना किसी तरह इसका प्लान बाहर निकालूं, बट बिल्कुल ताई कुछ बता ही नहीं रही है। अच्छा, तो आप दुर्गा क्या करने वाली है, सुरवी क्या करने वाली है? सुरवी पूरी टाइम ताई पे दुर्गा बन के नज़र रखेगी कि पता नहीं ताई का क्या प्लान है, या कहीं से उसको पता नहीं चलता है। महाशिवरात्रि वाले दिन सुरवी को पता चलता है कि कहीं कुछ ताई ने कार्तिक के रूम में सांप छोड़ दिया है ताकि वो उसको डसे और कार्तिक मर जाए। अब सुरवी पूरे घर पे घूमती है, ये सांप ढूंढने, सांप नहीं मिल रहा है, तो पूरा वो ड्रामा है। सुरवी बचा ही लेगी कार्तिक को हमेशा की तरह। मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि अभी तक हमारा जो भी ट्रैक चल रहा है, आप लोगों ने पसंद किया है हमारा शो, हमेशा ऐसे ही फॉलो करते रहिए, हमको ऐसे ही प्यार करते रहिए, और हमारा शो देखना मत भूलिए मंडे टू फ्राइडे जी टीवी पर 10 बजे। थैंक यू सो मच। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।